तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में गाइस। तो आज अपन कानपुर शहर के बारे में बात करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फिफ्थ नंबर पर है हमारा बिथौड़। तो गाइस बिथौड़ जो है वो कानपुर में ही स्थित है और ये जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी बात जो है यहाँ पर तरह तरह के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक धार्मिक स्थल है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं और पूजा के लिए भी जाते हैं और गंगा नदी को देखने के हिसाब से भी यहाँ पे जाते हैं। आपके पास भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस फोर्थ नंबर पर है मोती झील। तो गाइस मोती झील जो है वो काफ़ी पुरानी है। काफ़ी पुरानी का मतलब ये है कि ये जो है अंग्रेज़ों के समय में बनी थी, यानी कि अंग्रेज़ों ने ही इसको बनाया था। इसके आसपास में जो है आपको गार्डन देखने को मिलेगा जो कि कानपुर के लोग यहाँ जाते हैं और उस गार्डन में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। आपके पास भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आप भी यहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस थर्ड नंबर पर है राधा कृष्ण मंदिर। तो गाइस यहाँ का राधा कृष्ण मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। काफ़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और मतलब अगर आप जो है राधा कृष्ण भगवान के, कृष्ण भगवान के जो है आप भक्त हैं और भक्त नहीं भी हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, यहाँ पर जो है पूजा में शामिल हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस सेकंड नंबर पर है कानपुर जू। तो गाइस कानपुर जू है, जू जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बना हुआ का मतलब है काफ़ी क्षेत्र में मतलब फैला हुआ है और क्षेत्र के हिसाब से कहें तो ये जो है एशिया का पहले नंबर पे आता है। ये जू जो है एशिया के पहले नंबर पे आता है ऐसा माना जाता है। दूसरी बात है बिना मतलब पिंजरे में यहाँ पर किसी भी जानवर को नहीं रखा जाता, खुला छोड़ा जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ है मतलब। तो अगर आप नहीं गए हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं या आप इसे देख सकते हैं और बहुत ही मतलब आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जाएंगे आपको तरह तरह के जो है जानवर देखने को मिलेंगे तो काफ़ी मतलब बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर है जैन गिलास मंदिर। तो गाइस ये मंदिर जो है वो काफ़ी सुंदर मतलब कांच से बना हुआ है। और दूसरी बात ये जो है यहाँ पे जो है महावीर जी से लेकर, महावीर भगवान जो थे उनसे लेकर और भी भगवानों की मतलब इन्हीं के जो तीर्थंकर हैं तो उनकी जो है मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ पे वो देखने को आपको मिलेंगी। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी पुराना जो है यहाँ ये जो है मंदिर है और काफ़ी दूर दूर से मतलब बहुत भीड़ यहाँ पर रहती है। आप किसी भी समय यहाँ पर जाके देख सकते हैं, जा सकते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले आप यहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थे टॉप 5 प्लेसेस ऑफ कानपुर और कानपुर के टॉप 5 प्लेसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि यार कानपुर जगह ही ऐसी है। तो आपको पसंद आए तो यार लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस टाइप की वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। दूसरी बात, मैं ब्लॉग वीडियो भी बनाता हूँ तो आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लोग देखते हैं, चले जाते हैं वीडियो को देख करके, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी हमें आपकी काफ़ी ज़रूरत है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।